ये थर्ड सेमेस्टर का हो गया, थर्ड सेमेस्टर का हो गया, सिक्स सेमेस्टर का हो गया, आपको पुराने क्वांटम या नए क्वांटम भी मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड होने वाला है। सो गाइस, टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं अपने बारे में कुछ। तो ये रहा भाई मेरे बारे में कुछ, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो भी फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो कम समय में ही ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा एग्ज़ाम कैसे देना है और इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अच्छे कमेंट्स करना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये होता है क्वांटम जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, आप पढ़ सकते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास रखा हुआ था, थर्ड सेमेस्टर का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल ब्रांच में भी कॉमन ही होता है। तो गाइस, चलिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें और कैसे कैसे पढ़ाया जाता है इसको। सबसे पहले पेज खोलते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन क्वांटम सीरीज लिखा हुआ है, बीटेक स्टूडेंट पास सेकंड ईयर। तो थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर ही होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो गाइस, ऐसा कुछ दिखता है ये, और इसके बाद आ जाएंगे तो ये आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब देखिए कितने सटीक तरीके से सारे टॉपिक्स वाइज सब कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, सारा सिलेबस में लिखा हुआ है और एक एक चीज़ से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड है। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ इस टॉपिक के अलावा उसमें कोई क्वेश्चन होंगे नहीं इसमें। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा एडिशन है, मेरे पास एक्चुअली पुराना एडिशन है, एथ एडिशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिट वाइज में डिवाइड कर रखता है, फिफ्थ यूनिट कोई भी एग्जाम देंगे आप उसमें पांच यूनिट ही होंगे मोस्टली। और ये देख सकते हैं आप, ये एक्चुअली मैकेनिकल का आता है तो मेरे पास मैकेनिकल का ही रखा था तो मैं मैकेनिकल का आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इसको जैसे टर्न करते हैं तो आप देखिए फर्स्ट यूनिट और कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन और इस तरह से आपको पहले मिल जाएगा ये, इसमें लॉन्ग आंसर मिलेंगे इसमें पहले। अब देखेंगे कि इसमें कि कुछ क्वेश्चन आए होंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी, मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सेमेस्टर UPTU एग्ज़ाम 2009-10 में भी आया है, 9-10 में आया है 10 मार्क्स का, और इसमें देखिए 6-7 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, CS हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे जो इस ब्रांच में हो, उस सारे ब्रांचों में ये चीज़ ये क्वांटम जो है आपको अवेलेबल करा दी जाती है। कोई क्वांटम की कोई एजेंसी है, प्रकाशन है, वो पब्लिशर अपना पब्लिश कराता रहता है हर साल नया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो इतने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे और उसके नेक्स्ट ईयर में आप जिस सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आने की पूरी गारंटी होती है इसमें। मतलब यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएंगे आपको, श्योर बात है। तो अगर आप इसको टोटली पढ़ लेते हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं इसके बारे में और मोस्टली आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें देख सकते हैं, लास्ट में दिखाता हूँ आपने, इसमें फिफ्थ यूनिट हो गया ये, और इसके बाद लास्ट में चले आएंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें जो कि मोस्टली आते ही हैं एग्ज़ाम्स में, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। वन मिनट, मैं दिखा रहा हूँ शॉर्ट आंसर कहाँ गया, याद थर्ड यूनिट। ये देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमेशा, देखिए स्प्रिंग के व्हाट इज स्प्रिंग वगैरह वगैरह जितने क्वेश्चन है इसमें, बस दो टू लाइनर वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें अलग से दिया गया है, इसमें लॉन्ग आंसर अलग दिया है और शॉर्ट आंसर का पूरा अलग दिया है इसमें। तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इजी तरीके से इसको, अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 2-4 दिन रह गया है तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेंथ 2 मार्क्स क्वेश्चन, देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 2 नंबर्स के होते हैं, बाकी 10-10-15 नंबर के होते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इजी तरीके से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो अगर आपके कोई दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं क्वांटम, एक्चुअली में जो होता है कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट आते हैं उनको इतने इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो गाइस, मेरे वीडियो में बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल सके और आप जो आपका एग्ज़ाम बहुत ही, अगर आपने इस टाइम एडमिशन लिया है तो आपका मोस्टली फरवरी की लास्ट तक एग्ज़ाम के हो जाएंगे। तो गाइस, बस आपसे यही कहूँगा कि पढ़िए अच्छे से, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करिए,
और आप चाहे जो भी ब्रांच के जो भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपको सारे अवेलेबल हो जाते हैं, सारे सेमेस्टर के भी अवेलेबल होते हैं, सारे सब्जेक्ट के मिलते हैं इसमें, तो आप इसको पढ़ के अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। सो गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और पास आउट हो जाएंगे, तो आप अगर आप SSC JEE का एग्ज़ाम देते हैं, मोस्टली मैं उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैंने अभी हाल ही में उसको क्लियर किया है, तो आप SSC JEE का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जब प्री क्लियर हो जाएगा तो आपको मेंस देना पड़ता है उसमें। तो जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब आपको लिख के वहाँ पे सबमिट करना होता है। मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम तो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको वहाँ पर थ्योरी दिया रहेगा या फिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करके जमा करना होगा। तो उसमें मैंने दिया था तो एग्ज़ाम, तो अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो गाइस, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप इस क्वांटम को पढ़ते हैं, आप इसको हल्के मत लीजिए, या फिर इस तरह से मत लीजिए कि आप केवल एग्ज़ाम देंगे, इस सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, आप पास आउट अच्छे मार्क्स मिल जाए। गाइस, अभी तक ये मेरे पास क्यों रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है कि मुझे पता था कि अगर मैं JEE क्लियर करता हूँ तो मुझे मेंस जब देना होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आने वाली हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वांटम है, सारे सब्जेक्ट का है और सेमेस्टर का है। देखिए, जैसे कि ये 6th सेमेस्टर का है, ये थर्ड सेमेस्टर का हो गया, 6th सेमेस्टर का हो गया, और ये 5th सेमेस्टर का है। तो मैंने हर सेमेस्टर के सारे क्वांटम को मैंने बचा के रखा था ताकि मैं आगे चल के पढ़ूँ, वरना ये इसको आप रीसेल भी कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से लिए थे इसको वापस भी कर सकते हैं इजीली तरीके से, वो ले लेते हैं, आपको पुराने क्वांटम या नए क्वांटम भी मिल जाते हैं। सो गाइस, मेरे रखने का यही मकसद था कि मैं एक्चुअली JEE मेंस का एग्ज़ाम दूँ और वहाँ पर इसको यूज़ करें। तो गाइस, मैंने इसका भरपूर यूज किया, आप विश्वास करें कि जो एग्ज़ाम हुआ था JEE मेंस का कन्वेंशनल पेपर, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मोस्टली क्वेश्चन आपको क्वांटम से ही देखने को मिल जाएंगे। हाँ गाइस, आपको यकीन हो ना हो, लेकिन ये जो होते हैं बहुत काम के होते हैं, आपको चल के बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में है तो आपको किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश। सो गाइस, वीडियो करते हैं पेंट और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।